चलो चलो पुष्पा जी पुष्पा जी पुष्पा जी नहीं 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 रुकिए 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 हवा हवा हमारे पास मत आना वरना ये पंप फट जाएगा एक मिनट ये कैसे हुआ पुष्पा जी कहाँ हुआ ये किसने किया कब हुआ ये बॉम्ब स्क्वाड का फोन लगा तुरंत फोन भी लौटे हम जज्जू के डीए पर गोलगप्पे खाने के लिए जा रहे थे पता नहीं कहाँ से एक वैन आ गई हमें जबरदस्ती गाड़ी में डालकर हमारे शरीर पर ये बम बांध दिया और हमें यहाँ उतार गए ऑन द वे है मैडम ओके कहाँ जरूरत था आपको गोलगप्पा खाने का गोलगप्पा खा के ना गोलगप्पा हो गई हैं आप हाँ कितना मोटी आएंगी खा के हमको साथ लेकर नहीं आ सकती थी अकेले जाने का कहाँ जरूरत था ये सब ले कुछ नहीं होगा उन्हें हम बचा लेंगे कुछ भी नहीं होगा हाँ हाँ बोलिए हमें बोले सारी मन की भड़ास निकाल दीजिए बस एक बार इससे बाहर निकल जाए फिर आपको बताते हैं मेरे एक मिनट सब शांत हो जाइए फोन की आवाज कहां से आ रही ये आवाज मैडम से बॉम्ब फटने से पहले वाली आवाज बॉम्ब फटना नहीं बॉम्ब फटने नहीं 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 पुष्पा जी के पास आ रही आवाज पुष्पा जी आपके फोन से आवाज आ रही है ये मगर ये हमारे फोन का रिंगटोन नहीं हमारा फोन नहीं बज रहा है किडनैपर ये किडनैपर का फोन हो सकता है कोई हमारे बीच नहीं आएगा क्लियर मैडम सर कोई नहीं आएगा मैडम सर संभाल के आराम से बॉम्ब निकलना पुष्पा जी हिलना बंद करिए पुष्पा जी हिलना बंद करिए मत हिलिए आप मत हिलिए फट जाएगा ये मैडम सर हमारे हाथ भी खोल दीजिए नहीं नहीं हाथ नहीं खोल सकते कौन सा वायर किस चीज से कनेक्टेड है हमें नहीं पता कुछ नहीं होगा पुष्पा जी हम हैं बिल्कुल भी मत हिलेगा पुष्पा जी मत हिलिए पुष्पा जी ये देखिए ये वायर आपके हाथ से कनेक्टेड है फोन निकला बम नहीं निकला पुष्पा जी हाथ मत खोलेगा हेलो हसीना मलिक जी कैसे मिजाज है आपके कौन दोस्ती समझिए अ गुड फ्रेंड हसीना जी अगर दुश्मन होता तो बॉम्ब लगाया नहीं होता उड़ा दिया होता आपकी जो कांस्टेबल है उसके चितड़े चितड़े उड़ जाते हैं आप सोच रहे होंगे कि हमने आपके कांस्टेबल पुष्पा जी को ही क्यों उठाया क्योंकि उन्होंने कल रात को हमारा बना बनाया काम बिगाड़ दिया क्या है ना मैडम दुनिया का दस्तूर ही ऐसा है इस हाथ ले उस हाथ दे अगर आपकी कमजोरी हमारे हाथ में नहीं होती तो हमें वो कैसे मिलता जो हमें आपसे चाहिए क्या चाहते हो तुम नदीम अजीज है हमारे लखनऊ जेल में है उन्हें आजाद करना चाहते 8 घंटे आपके पास नदीम को हमारे हवाले कीजिए या फिर आपके कॉन्स्टेबल की अर्थी कफन की तैयारी कीजिए पर हाँ कोई फिल्मी खुराफाती करने की कोशिश मत कीजिएगा आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, उस बॉम्ब का रिमोट हमारे हाथ में है वहां कोई हीरो बनने की कोशिश करेगा या बॉम्ब डिफ्यूज करने की कोशिश करेगा तो या इस रिमोट का बटन दब जाएगा और आपकी प्यारी सी पुष्पा जी बूम और ये फोन जिस पे आपकी और हमारी गुफ्तगू चल रही है वो आपके कॉन्स्टेबल के पास ही रहेगा ताकि आपकी और हमारी बातचीत में ना कोई खलल ना आए वक्त कम है और बिसात के लिए बहुत कुछ लगा है हसीना जी तो भूलना मत तुम्हारी हर हरकत पर हमारी नजर है तुम क्या बेवकूफ हो जाहिल हो डिमांड रखने से पहले सोच तो लेते कि क्या मांग रहे हो अक्कल है कि नहीं तुम्हें ए आवाज नीचे जो तुम डिमांड कर रहे हो वो नहीं हो सकता है हम बस एक SHO हैं हम किसी टेररिस्ट को फ्री नहीं करवा सकते किसी जेल से दिमाग है इसलिए तुम्हें चुना है हसीना मलिक क्या मतलब है तुम्हारा क्या है तुम्हारे पास वर्ल्ड फेमस जादू की छड़ी उस जादू की छड़ी को घुमाओ और मेरे भाई को उस कैद खाने से बाहर निकालो देखो हमारी बात सुन हेलो हेलो मैडम सर क्या कह रहे हो मैडम सर कौन था शांत हो जाइए ये वही किडनैपर था नदीम नाम का कोई टेररिस्ट है वो चाहता है कि हम उसे जेल से फ्री करवाएं वो यहीं लखनऊ की किसी जेल में है अगर हम ऐसा करते हैं तो वो पुष्पा जी का बॉम्ब अभी के अभी डिफ्यूज कर देगा क्योंकि रिमोट उसके हाथ में है और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या
बाप का राजा के बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा, जमीन खोद के जमीन में गाड़ देंगे, और नहीं गाड़ना तो हमारा नाम करिश्मा सिंह नहीं। देखिए देखिए, आप शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाए पुष्पा जी? आप विपरीत परिस्थितियों में संयम बनाकर चलना चाहिए, एकाग्रता से ही मुश्किल का हल निकलता है। हमें मैडम सर पर पूरा भरोसा है, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा पुष्पा जी, आपको कुछ नहीं होगा। अभी देखा ही क्या है हमने जिंदगी में। बॉम्ब लेके आगे बढ़ रही है। नहीं, वो वहाँ बैठने जा रहे थे, थक गए हैं ना। हाँ हाँ, प्लीज बैठिए, आप बैठ जाइए शांति से। क्या कर रहे हो तुम दोनों? बैठिए बॉब, तुम बॉम्ब स्क्वाड से कोऑर्डिनेट करो। हम कह रहे थे हमने देखा ही क्या है जिंदगी में। ओके एवरीवन अलर्ट, करिश्मा सिंह दोनों एरियाज को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दीजिए, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। खास तौर पर मीडिया, हम इस बात को बाहर नहीं जाने दे सकते। करिश्मा सिंह जी, जाइए ब्लॉक करिए, कम ऑन हरी अप, जाइए। पुष्पा जी बैठिए, आप एक जगह, आपको एक जगह बैठिए। संतोष शर्मा, हमारी बात ध्यान से सुनिए, हम थोड़ी देर में किडनैपर को फिर से फोन करेंगे, ठीक है? जब तक हम फोन कर रहे हैं तब तक आप तैयारी कीजिए, जैसे ही हम कॉल करेंगे आप उसका कॉल ट्रेस करेंगे, उसका लोकेशन ट्रैक करेंगे, क्लियर? जी, जाइए तैयारी कीजिए, जाइए, गो रन। पुष्पा जी शांत, कुछ नहीं होगा आपको। पीछे हटिए, सब पीछे हटिए, बॉम्ब है, फटेगा तो सब फट जाएंगे। तुम जाके वहां का भीड़ संभालो, जाओ चीते, संभालो, जाके भीड़ संभालो। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम। मैं तुमको अलग से बोलना पड़ेगा का, हाँ? अरे जाइए ना। अरे मैडम, हम नहीं जाएंगे। काहे नहीं जाएंगे? अरे मैडम, पुष्पा जी का चाय पीने का मूड हुआ तो बताइए तब क्या पिलाए, और बिरयानी खाने का मन किया तो हम नहीं जाएंगे। आप लात मारिए, थप्पड़ मारिए, लेकिन तकलीफ आपको है ना, उनके हाथ में भटकती रही तो। बिल्ले, कम बोलो, हमारे सर पे मत खड़े रहो, पीछे जा, पीछे जाके। माँ, तुम क्या हमारे पीछे पीछे रेंगती रहती हो? तुमको भीड़ संभालने के लिए बोला था ना हमने। वो मैडम गांधी जी कहते थे कि अगर हिंसा का साथ दिया जाए, तुम्हारी मैया की, हम पुलिस वाले हैं, समझिए हमारी बात को, हम हिंसा नहीं, इसको ड्यूटी, इसको फर्ज कहते हैं, हम सबका जान बचाना, सबका जान बचाने के लिए इसको इसको ड्यूटी करना पड़ता है, समझिए बल प्रयोग करना पड़ता है। जाओ जाके संभालो भीड़ को। जी मैडम। हेलो, दस मिनट करके एक घंटा हो गया, आप कब आएंगे? पुष्पा जी का जान खतरे में है, समझ में आ रही है आपको बात? हाँ नहीं, वहां से आपको लेफ्ट लेना, लेफ्ट लीजिए, हम दिख जाएंगे आपको। हाँ जल्दी आइए, कृपया करके साइड हो जाइए, उधर साइड में, कृपया करके भाग यहाँ से, निकलो, बम है वहाँ पे, फट जाएगा, सब जाओ यहाँ से, जाओ सब यहाँ से। मैडम तुम इतनी छुई मुई हो तो पुलिस फोर्स का ज्वाइन किया तुमने, बताओ हमको, घर जाओ, मेहंदी लगाओ, खाना खाओ, खेलो। भाई साहब हमारे साथ आइए, संभालो, चलिए जल्दी चलिए। पुष्पा जी टेंशन मत लीजिए, आ गए, चलिए। हमारी जान बचाई है। अगर फोन सैटेलाइट है तो रिंग बचते ही जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है वो सारी चेक करेंगे, कोई भी मोमेंट होगा, कोई भी एक्टिविटी होगा, पूरा फोकस यहाँ पे, और उस सिग्नल को इंटरसेप्ट करके फोन की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। आलिया तुम ड्यूटी पर हो, पुष्पा जी को बचाना ज्यादा जरूरी है, फोकस। मैडम सर मैं रेडी हूँ जी, आप कॉल कर सकती हैं। सिंपल सी बात है, वैसे तो हम जवाब जानते हैं पर आपके मुंह से सुनने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, हमें मंजूर है। सुनकर खुशी हुई। हाँ, हम तुम्हारे आदमी को जेल से निकालेंगे और खुद लेकर आएंगे, ठीक है? कोई सैटेलाइट मूवमेंट नहीं, पर मैडम सर का तो फोन चल रहा है, ये क्या? देखो लेकिन हमारी बात ध्यान से सुनो, ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसे करने में हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, बहुत कुछ करना होगा हमें जिसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है।
पुष्पा जी भागो भागो जल्दी जाओ यहां से। मैडम मैडम चीते, 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 जितनी भी गाड़ी है सब जाके चेक करो, किसी में भी विस्फोटक हो सकता है। जल्दी जाओ। मैडम सर नहीं आपको कुछ नहीं होगा। हमें बहुत डर लग रहा है, अगला नंबर हमारा हुआ जी, कुछ नहीं होगा आपको कुछ नहीं। हमने कहा था हसीना मलिक जस्ट वन क्लिक, क्या साला का नजर आना। तुम्हारा दिमाग खराब है, हम तुम्हारी सारी डिमांड मान तो रहे थे तो क्या जरूरत थी ब्लास्ट करने की। एक बहुत पुरानी कहावत है, सांप ना भी काटे तो भी फन दिखाकर डराकर जरूर रखता है ताकि खौफ बना रहे, लोगों को याद रहे कि अगर गलती से भी उसे छेड़ने की कोशिश की तो वो जान भी ले सकता है। बहुत सिंपल सी बात है हसीना मलिक, ये एक चेतावनी थी। तो जो कहा है वो करो और किस्सा जल्दी खत्म करो। हाथ पैर चलाओ, टाइम बहुत कम है। 8 घंटे थे तुम्हारे पास, उसमें से 1 घंटा तो बर्बाद कर चुके। अब तुम्हारे पास तुम्हारी पुष्पा सिंह को बचाने के लिए सिर्फ 7 घंटे बचे हैं। सो मूव फास्ट। पुष्पा जी। संतोष जी। माँ। पुष्पा जी ठीक है ना? अभी तक तो ठीक है, आगे पता नहीं माँ। जल्दी आइए बताइए क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं मैडम सर, वो आदमी बहुत स्मार्ट है, उसने बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की है, फ्रीक्वेंसी पकड़ में ही नहीं आ रही है। तो आप वो फोन दिखाइए जिससे वो आपसे बात करा था। ये रहा, चेक कीजिए। मैडम सर। हाँ पुष्पा जी। अभी तो कार फटी, अगला नंबर अगर हमारा हुआ तो हम इतनी जल्दी मरना नहीं चाहते। पुष्पा जी रिलैक्स, कुछ नहीं होगा आपको, हम सब है ना यहाँ, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हाँ फटेंगे तो ये सब फटेंगे माँ। बिल्लू तुम चुप रहो। पुष्पा जी आप क्यों इतना घबरा रही हैं? याद है ना आपको पंडित जी ने आपका कुंडली देख के क्या कहा था? कॉकरोच प्रजाति का राशि है आपका, सब खत्म हो जाएंगे लेकिन आप डटी रहेंगे। अमा पुष्पा सिंह है, आप किस बात से डर रही हैं? आप ये बम आप गोलगप्पे में डाल के सौंठ के पानी के साथ पी जाती हैं, समझ लिए आप हमारी बात को? और हम खड़े हैं ना आपके साथ खड़े हैं हमें आपके साथ। और अभी हमें लल्ला को भी तो जवाब देना ना चाहिए। आपको पता ना आपको थोड़ा सा भी कुछ होता तो लल्ला कितना परेशान हो जाते हैं, हाँ कितना प्यार करते हैं आपसे। आप काहे डर रही हैं? हम खड़े हैं आपके साथ, कुछ नहीं होने देंगे। ये क्या कर रही हैं आप? जाइए हमसे दूर, जाइए, अगर आपको कुछ हो गया तो आप रोना बंद कीजिए। हमसे दूर जाइए। तो मेरी पुष्पा जी को पानी का अटैक आ रहा है, जाइए संभालिए सिचुएशन को, जाइए बात करिए उनसे। आपको कुछ पता चला? मैडम सर बहुत स्मार्ट है ये लोग, इन्होंने कॉल्स को इंटरनेट के जरिए ट्रांसमिट किया है। ओके हाँ, जिससे अभी कॉल्स जो है वो बाउंस हो रहे हैं और 10 अलग अलग लोकेशन बता रहे हैं। ऐसे साइट को ना मैडम सर हैक करके ब्लॉक करना पड़ता है, जो मैंने कर लिया है। ओके गुड। हाँ लेकिन अब तक कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चली है। कुछ तो होगा, कोई तो इन्फॉर्मेशन हमारे काम आ सकती है। जी मैडम सर, लेकिन एक बात पक्की है कि वो जो फ्रिक्वेंसी यूज कर रहा है वो यहाँ 500 मीटर की दूरी पर ही है, मतलब वो यहीं कहीं आस पास है। इसका मतलब उसे पकड़ना बहुत आसान होना चाहिए। मैडम सर आप चिंता मत कीजिए, सारा इलाका उधेड़ देंगे। नहीं नहीं करिश्मा सिंह, देखिए प्लीज ऐसा करने की बेवकूफी मत कीजिएगा, क्योंकि बॉम्ब का रिमोट उसके हाथ में, 1 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्लू जल्दी इधर आओ, जल्दी। एरिया में जितनी भी बिल्डिंग्स है, भरी हो खाली हो जो कुछ भी हो, वहां जाओ, एक एक कोना कोना अच्छे से चेक करो। ये काम सबसे अच्छे तरीके से तुम कर सकते हो। जाओ 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 बिल्लू के लिए माँ। ओके जाओ बिल्लू जाओ। ओके करिश्मा सिंह, हमें DSP सर के साथ मंत्री जी से मिलने जाना होगा, हमें कोशिश करनी होगी, हमें उसे निकालना होगा, हमें कुछ तो करना ही होगा। देखिए जब तक हम जा रहे करिश्मा सिंह आप इंचार्ज हैं, जो भी कीजिए शांत दिमाग से कीजिए, आपकी एक छोटी सी गलती हमें बहुत भारी पड़ सकती है, आप समझिए शांति से। ओके एवरीवन बी अलर्ट। मैडम जाओ जाओ जाओ, तुम भी जाके देखो। कुछ नहीं होगा पुष्पा जी, आपको कुछ भी नहीं होगा। संतोष जल्दी करो, टाइम नहीं है। थैंक गॉड पुष्पा जी का फोन बन नहीं है, उनकी सारी मूवमेंट ट्रैक हो पा रही है। तो करो ना जल्दी, अच्छे से करो ना, बताओ कहाँ से ले जाया गया है पुष्पा जी को। जी जी। अब मैडम पुष्पा जी को 3 बजे किडनैप किया गया था और ठीक 1 घंटे के बाद कुछ आधे 1 घंटे के लिए विनोद इंडस्ट्रियल एरिया में रखा गया था। संतु मतलब पुष्पा जी को विनोद इंडस्ट्रियल एरिया में ही बांधा गया था? टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से यस। बहुत बढ़िया, आगे जो भी इन्फॉर्मेशन हो मैं अपडेट करूँ। हाँ जी चलो, तुम हमारे साथ चलो।
रहने दो, रहने दो बड़े भैया, हम आपको मत करो, मत करो कुछ, ये मत करो। हमारा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, हमारे दिल में दर्द हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये पंप फटने से पहले हमारा हार्ट फेल ना हो जाए। ये बम की जो टिक टिक है ना, मौत के नगाड़े जैसे हमारे कानों में बज रही है चीते। आपको हमारा उस सूरज दोस्त याद है? अब ये कौन है? इसका आटा चक्की है। हाँ यार, पता है क्या कह रहा था पुष्पा जी? तुम्हारे थाना की हेड कांस्टेबल पुष्पा जी का गजब की लगती है यार। सच में? कसम से। जानती है करिश्मा मैडम के बारे में क्या बोल रहा था? क्या कह रहा था? कि करिश्मा मैडम उनकी सास और पुष्पा जी करिश्मा मैडम की बहू लगती है। ऐसा तो बहुत लोग कहते हैं चीते, हम लगते ही नहीं ना इतनी उम्र के। पुष्पा जी, आज हमारा भ्रम टूट गया। हमको लगता था ना कि भगवान के सबसे पसंदीदा बच्चे हम हैं, लेकिन ना, भगवान का आप पर विशेष ध्यान है। मतलब 21 साल का नाजुक बाली उम्र जो आप पर ठहरा है, आगे ही नहीं बढ़ रहा। एक बार सब ठीक हो जाए ना, आपके लिए फ्रॉक खरीदने चलेंगे हम। ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है चीते। जल्दी करो ना बड़े भैया। धन्यवाद। हाँ संतु सुनो, हमने यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज से 3 से 4 के बीच का सीसीटीवी फुटेज तुमको मेल करवाया, उसको चेक करो और अच्छे से देखो, कुछ लीड मिलता है तो तुमको तुरंत हमको फोन करके बताओ। हाँ जी जी। अब आलिया, करिश्मा मैडम ने मेल भेजा है, वो सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए और बताइए वहाँ से कोई वैन पास हुई कि नहीं। जी मैम। मैडम मैडम, ये देखिए, यहीं से एक वैन अंदर गई और ठीक आधे घंटे बाद वैन वापस बाहर आई और वैन में काफी लोग भी बैठे हैं। एक सेकंड, तुम फिर से फुटेज देखो और ये मुझे बताओ कि उस टाइम पे इंडस्ट्रियल एरिया में वो वैन और कौन कौन सी जगह गई थी। मैडम, पुष्पा मैडम, पुष्पा जी, एक मिनट, जूम करो, जूम करो, पॉज पॉज। त्रिदेव, करिश्मा मैडम, संतु, हाँ संतु, कोई लीड मिला? इंडस्ट्रियल एरिया में नॉर्थ साइड पे लेफ्ट में एक बोर्ड रहेगा, वो त्रिदेव लिखा हुआ, वहां से पुष्पा जी को किडनैप करके ले गए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संतु। आगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले ना, तुरंत अपडेट करो हमें संतु। हाँ जी 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 मैडम। चलो हेलो जी, तो हमारा पुष्पा जी से बात करो जल्दी। ठीक है मैडम। पुष्पा जी, करिश्मा मैडम बात कीजिए। हेलो, हाँ बोलिए। पुष्पा जी, हम बोल रहे हैं आपकी भाऊ रानी और हमने आपको ये बोलने के लिए फोन किया है कि आपको बिल्कुल चिंता करने का जरूरत नहीं है, ये सारा टंटा जो है ना, हम आज ही खत्म कर देंगे। समझिए हमारी बात को और एक बात ध्यान रखिएगा, दुनिया इधर से उधर हो सकता है लेकिन आपका बाल भी बाका नहीं होने देंगे हम। अभी इस जन्म का प्रतिशोध खत्म नहीं हुआ है हमारा, अभी बहुत तंग करना है हमें आप, बहुत झगड़ा करना है हमें आपके साथ, आपको कुछ नहीं होने देंगे हम। ठीक है ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, हम तुरंत ये सारा काम खत्म करके तुरंत आपके पास लौट रहे हैं। जल्दी आना। हाँ रखते हैं, अभी पहुँचते हैं। चलो चलो चलो। सर ये हसीना मलिक है, हमारे डिपार्टमेंट की बहुत ही निष्ठावान महिला पुलिस अधिकारी। सर इन्होंने समाज के लिए बहुत कार्य किया है, आज इनके टीम मेंबर की जान खतरे में है सर। तो हमारा कर्तव्य बनता है सर कि उनकी जान बचाई जाए और उनकी मदद की जाए सर। तो आप चाहते क्या है? मैं उन आतंकवादियों को चार्टर्ड प्लेन देकर उनका धन्यवाद करूं और खुद उन्हें फूल मालाएं पहनाकर एयरपोर्ट छोड़कर आऊं? ऐसी बात नहीं है सर। डीएसपी साहब, इलेक्शन सर पर है, मैं एक एक कदम फूक फूक कर रख रहा हूँ, अपोजिशन नजरें गड़ाए हुए है, जरा सी भी चूक हुई ना कि इलेक्शन से बाहर हुआ। आप स्थिति की गंभीरता को समझ रहे हैं ना? ऐसे संवेदनशील माहौल में आप हमें झंझट में घसीट रहे हैं। सर देखिए, प्लीज प्लीज, ये कोई झंझट नहीं है,
हम बस आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि कुछ समय के लिए आप नदीम को हमारे हवाले कर दीजिए, ताकि हमें उस अबू नाम के आतंकवादी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए टाइम मिले। उस टाइम में हम उसे जाकर पकड़ लेंगे, हमारी टीम पहुंच जाएगी, और जैसे ही अबू हमारे हाथ लगेगा, हम आपसे वादा करते हैं कि अबू और नदीम दोनों जेल के अंदर होंगे। सर, सर, हम गारंटी लेते हैं सर, ये जो कहती है ना सर, वो करती है। ये संभव नहीं है S.H.O हसीना मलिक, खासकर इस चुनाव के माहौल में। हम आपकी मदद करके अपनी कुर्सी खतरे में नहीं डाल सकते। माफ कीजिएगा सर, लेकिन ये कुर्सी तो क्या, जब बात सुरक्षा की आती है ना, तो आपको अपने घर की सुरक्षा के लिए भी इस वर्दी को याद करना पड़ता है। आप, आपके घर वाले, आपके घर का पालतू कुत्ता इसलिए चैन से सो पाते हैं क्योंकि हम बाहर खड़े होते हैं आपकी सुरक्षा के लिए। यही है वो वर्दी सर, जिसकी फिलहाल आपको बिल्कुल कोई इज्जत नहीं है, बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, जो वर्दी पूरे समाज की सुरक्षा करती है, वो खुद की हिफाजत तो कर ही सकती है। अब भी उतना दम है हम में सर, हम कर लेंगे कुछ ना कुछ मैनेज।